आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का स्थापना दिन मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर यूनिवर्सिटी के चांसलर राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और वहां पर उनकी ओर से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। ऐसे आपको बता दें कि इस दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार डॉक्टर के एम चुड़ासमा, साथ ही यूनिवर्सिटी की विभिन्न फैकल्टीज के डीन, प्रोफेसर और साथ ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोनरिया कर्मचारी भी मौजूद रहे थे। उपस्थित सभी की ओर से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की तस्वीर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक दूसरे को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के स्थापना दिन की शुभकामनाएं दी गई थी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का 75 हुआ स्थापना दिवस है, तो हमारे विश्वविद्यालय का यह अमृत महोत्सव है। तो इस समय मैं सबको बधाई देती हूँ कि विश्वविद्यालय ने 75 अच्छे वर्ष पूरे किए, समाज के शिक्षण के लिए, वडोदरा शहर के शिक्षण के लिए एक बड़ा योगदान दिया। महाराजा सयाजीराव का ये स्वप्न था कि एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ हो, जो महाराजा प्रताप सिंह ने पूरा किया और स्थापना की। उसके बाद महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़, डॉक्टर मृणालिनी देवी पवार चांसलर रहे और उसके बाद मैं चांसलर बनी हूँ। तो एक बहुत ही गर्व का समय है कि इस अच्छे महान विश्वविद्यालय के मैं चांसलर हूँ। यही हमारे संस्था बहुत आगे जाए, यहाँ के जो फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से पहले वाइस चांसलर्स जो अभी तक रहे हैं, सबके परिश्रम से ये यूनिवर्सिटी जहाँ है वहाँ पहुँचा है। तो मैं सबको आज याद करके सबको आज बधाई भी देती हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।